वन नेशन वन इलेक्शन के ये हैं फायदे और नुकसान। भारत को आज़ादी मिलने के बाद से ही एक देश एक चुनाव हमेशा चर्चा में रहा है। इस बात पर हमेशा चर्चा होती रही है कि एक देश एक चुनाव कराने से क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। एक बार फिर यह विषय चर्चा में आ गया है। बुधवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें लगभग देश के 40 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन 21 राजनीतिक दल ही इस बैठक में शामिल हो पाए। तीनों दलों ने अपना पक्ष बैठक में शामिल न होकर लिखित में दिया। भारत में 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे थे, लेकिन उसके बाद यह क्रम टूट गया। आइए जानते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। एक देश एक चुनाव, जब देश में लोकसभा चुनाव और सारे राज्यों का विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने लगे तो इसे ही एक देश एक चुनाव के नाम से जाना जाता है। इसके फायदे, इससे बार बार आचार संहिता लगने की झंझट से छुटकारा मिलता है। नेताओं द्वारा लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार एक ही समय में हो पाएगा। इसके लिए अलग अलग समय पर चुनाव प्रचार नहीं करना होगा। बार बार आचार संहिता लागू न होने की वजह नेताओं को विकास कार्य करने में दिक्कत नहीं होगी। बार बार आचार संहिता लगने से नेताओं के काम करने पर प्रतिबंध लग जाता है, चुनावी खर्चे में कमी आएगी, सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा, चुनाव में काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में चुनाव आयोग को आसानी होगी, सेना और विद्यालयों के लोगों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर नहीं जाना होगा, शिक्षकों को अपने मूल कामों को करने में सहायता मिलेगी। एक देश एक चुनाव के नुकसान, इससे एक ही समय में तीन सदस्यीय चुनाव आयोग पर काफी बोझ पड़ेगा, जिसमें चुनाव आयोग के लोग अपने कामों को सही तरीके से अंजाम शायद नहीं दे पाएंगे। पूरे देश में एक ही समय में संपन्न करने के लिए काफी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि सुरक्षा बल कम पड़ जाए। इसके अलावा सरकारी खजाने पर भी काफी भार पड़ेगा। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की संख्या काफी बढ़ानी होगी, ताकि चुनाव प्रचार और नेताओं की अन्य गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर पाए। भारत में विधानसभा चुनाव हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों पर और लोकसभा चुनाव राष्ट्र मुद्दों पर लड़े जाते रहे हैं। एक साथ चुनाव कराने से लोग यह तय नहीं कर पाएंगे कौन सा नेता क्षेत्रीय मुद्दों के लिए समर्पित है और कौन सा नेता राष्ट्र मुद्दों के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय पार्टियों के आगे क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। राज्यों की ऑटोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।